हमारे पास माँ, हर बच्चे के घर में उसकी माँ होती है। तो जब माँ होती है तो जाहिर सी बात है कि उस घर में उसके प से पापा भी होते हैं। तो माप हो गया ये शब्द हमारा, और क से हमारा की हो गया। तो माप की इकाई, एक शब्द बस हमको याद रखना है, इकाई, माप की इकाई को ही हम मात्रक कहते हैं। ये हमारा डिसीजन हुआ, मात्रक किसे कहते हैं, माप की इकाई को ही मात्रक कहते हैं। सवाल आता है मापते किसे हैं, सवाल आता है कि हम मापते किसे हैं। तो दुनिया में जितने भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को ही हम माप सकते हैं। भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को हम माप सकते हैं। फिर आइए हम मात्रक की परिभाषा देते हैं। भौतिक राशियों के माप की इकाई को ही मात्रक कहते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, माप की इकाई को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक हम यहां ध्यान से देखेंगे, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। वेरी गुड, व्युत्पन्न मात्रक। ओके, हम जानेंगे माप की इकाई को मात्रक कहते हैं। मापते किसे हैं, भौतिक राशियों को मापते हैं, जैसे बल को मापे, कार्य को मापे, विस्थापन को मापे, त्वरण को मापे, वेग को मापे, ये सब चीजें मापी जाती है। तो भौतिक राशियों के माप की इकाई को ही हम मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ओके।